चंद गोकुल रोड गोपालगंज का जब सबसे फेमस मार्केट है और एक कमर्शियल मार्केट बोल सकते हैं, कपड़े की दुकानें और बाकी बहुत सारी दुकानें उसमें सब दुकानें ही हैं। हम लोग गोपालगंज के बीच सेंटर में है, एकदम सेंटर में, और ये पूरा कमर्शियल एरिया है। तो वहाँ पर पगड़ी जो है 15 लाख 20 लाख रुपए पगड़ी है, तो इतने में तो आप यहाँ ले सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आपने गोपालगंज के जनता सिनेमा कैंपस का वीडियो देखा था, काफी सारा प्यार मिला आप लोगों को, काफी सारी इंक्वायरी भी थी, काफी सारे बाहर से दूर दूर से लोग यहाँ पे आए थे और काफी सारे लोग प्लॉट यहाँ पे खरीद भी चुके हैं। पीछे देखेंगे लोगों का, यहाँ पे बाउंड्री का काम चल रहा है, जो लोग परचेज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हम आज गोपालगंज में थे तो मैंने सोचा कि यहाँ का कुछ अपडेट आपको दिया जाए कि यहाँ पे क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ या क्या कितने लोग खरीद चुके हैं या क्या चीज़ें अभी, जैसे बाउंड्री का काम चल रहा है, कुछ लोग काम लगवाने वाले हैं, ईंट वगैरह गिरवा चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पे शॉप भी बनवा रहे हैं, तो वो अपडेट देना है आज के इस वीडियो में। हमारे साथ भवेश जी हैं, एक बार अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम भवेश वर्मा हुआ जी, हम ऑनर की तरफ से ही हैं यहाँ पर। जो ये सबसे अच्छी बात है ना, यहाँ का वीडियो मैंने एक बार पहले भी दिखाया था यहाँ के बारे में। सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो भी डील करेंगे सीधे ऑनर के साथ, बीच में बिचौलिया कोई नहीं है और जेन्युइन चीजें मिलेगी। जिनको आपको रजिस्ट्री करना है सीधे उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे दखल कब्जा लेंगे, उनसे सारी चीजें होगी, तो ये अच्छी बात है। बाकी पिछला वीडियो आपने भी देखा था, काफी अच्छा चला था, काफी लोगों का प्यार मिला था, क्या कुछ अपडेट रहा, कितना सेल हो चुका है? अब कुछ ही प्लॉटें बच गई हैं बस, ज्यादा बची नहीं है, थोड़ा ही प्लॉट बच गया है बस। अच्छा, ये ना मधु कॉम्प्लेक्स के नाम से यहाँ पे डेवलप हो रहा है ना, जैसे चंद गोकुल रोड गोपालगंज का जब सबसे फेमस मार्केट है और एक कमर्शियल मार्केट बोल सकते हैं, कपड़े की दुकानें और बाकी बहुत सारी दुकानें उसमें, सब दुकानें ही हैं उस रोड में, जस्ट उसके अपोजिट में ये प्लॉट है और यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसी हिसाब से इसको प्लॉटिंग किया गया है कि सब सिर्फ दुकानें दुकानें हो इसमें। हम लोग गोपालगंज के बीच सेंटर में है, एकदम सेंटर में, और ये पूरा कमर्शियल एरिया हो जाता है। चंद्र गोकुल रोड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर पगड़ी जो है 15 लाख 20 लाख रुपए पगड़ी है। पगड़ी मतलब जो एडवांस जो दिया जाता है आपको रेंट पे लेने के लिए, तो 15 से 20 लाख रुपए वहाँ पे पगड़ी है सर। पगड़ी तो इतने में तो आप यहाँ ले सकते हैं, हम लोग 3 दूर 4 दूर प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे। जितना वहाँ पगड़ी देना है वहाँ से बस मुझे लगता है 50 मीटर दूरी होगा, 50-100 मीटर दूरी, तो यहाँ पे जितना पगड़ी उधर देंगे उतना में अपनी अपनी जमीन खरीद लेंगे और उसमें बनवा के आप यहाँ पे शॉप कर दुकान वो बनवा सकते हैं। एक बार यहाँ पे मैप दिखाएं, कितना बुक हो चुका है, कितना खाली है, थोड़ा सा ये देखें। यहाँ का मैप आप देख सकते हैं, ये कितने कितने साइज से प्लॉटिंग किया हुआ है आप लोगों ने? सर इसमें 4 धूर 5 धूर 6 धूर ऐसे है, 7 धूर 8 धूर 10 धूर इस तरह का प्लॉटिंग है। मेन रोड किधर हो गया इसमें? मेन रोड आपका ये हो गया इधर से। अच्छा, वो मेन रोड है, उधर से एंट्री किए, यहाँ पे गेट हो गया, गेट हो गया, और फिर यहाँ से 18 फीट का रोड एंट्री किए और ये हम लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे हैं। जी जी, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ इस साइड दीवार पे हम लोग दिखा रहे हैं। जी जी, तो ये सब और इस साइड से आगे बढ़ते हुए इस साइड जाएंगे जी, तो ये पूरा अब कैसे लोग खरीद सकता है फिर से, जो जो इस वीडियो को देख रहा है उसके बारे में बताएं। स्क्रीन पे हम नंबर दे देंगे आपका, उस पे लोग कॉल करेंगे आपसे, सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। यहाँ पे और कौन कौन सी सुविधा आप लोग देने वाले हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले 18 फुट का रोड है। हाँ ठीक है, ये सारे प्लॉट पे आप देख सकते हैं, सभी प्लॉटों पे 18 फीट का रोड है। 18 फीट काफी होता है कमर्शियल जगह पे, आप बीच में कार जाने की रास्ता हो, बगल में बाइक वगैरह पार्क भी हो सकता है कोई अगर शॉप में आता है तो। हाँ, सोसाइटी है देखिए, वो सब गेट वहाँ पर रहेगा, एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा और इधर सब पैक है पूरा। अच्छा, ये टोटल एरिया कितना होने वाला? टोटल एरिया 25 कट्ठा है, ये काफी लंबा चौड़ा एरिया हो जाता है और पीछे दिखाएंगे गेटेड सोसाइटी होगा, यानी ये पूरा चारों तरफ से पैक होगा और कमर्शियल एरिया है तो सुरक्षित भी होगा, गेटेड सोसाइटी होगा तो वहाँ पे गार्ड वगैरह रहेंगे, रात वगैरह में सुरक्षा का मामला सब सही रहेगा। जब कमर्शियल दुकानें होंगी, कमर्शियल ये बिल्डिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो गार्ड होगा तो ये और भी प्लस पॉइंट होगा। पहले आपको दखल कब्जा करके देंगे कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। देखिए, ये बहुत सारी जगह पे होता है ना कि एक ही जमीन को कई बार लोग बेच देते हैं, तो वो चीजें अगर हम कह रहे हैं तो हमारी बातों पे विश्वास करें तो ठीक है, नहीं करें तो आपको जमीन लेने से पहले कुछ बुकिंग डालेंगे या पहले दखल कब्जा, अपना बाउंड्री का काम करा लें, अपना काम शुरू कर सकते हैं, उसके कुछ दिनों बाद आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। एक कहावत है ना कि जब जमीनों में कुछ भी भूत प्रेत होता है तो वो जैसे कुदाल चलाएंगे तो निकल के बाहर आ जाते हैं, मतलब कोई और दखल कब्जा आपको, मतलब आपके मन में अगर कुछ डाउट है इस तरह का तो आप पहले काम लगाना शुरू कर दीजिए, अगर किसी और का दावेदारी होगा तो वो निकल के बाहर आ जाएगा। नहीं तो आप इस मेरा वीडियो देख के अगर आ रहे हैं तो जितना आश्वस्त कीजिए
सीधे हम लोग ऑनर के साथ कनेक्ट हैं, ऑनर की तरफ से ऑनर के प्रतिनिधि हैं ये, और जब भी जो भी आप खरीद बिक्री करेंगे सीधे ऑनर से करेंगे और एक जेन्युइन जमीन मिलेगा, जेन्युइन रेट मिलेगा आपको। बाकी प्राइस की बात हम लोग कर लें, क्या प्राइस होने वाला है यहाँ पे? प्राइस का होने वाला है 7 लाख रुपए धूर। 7 लाख रुपए धूर। मिनिमम कितना धूर अगर कोई लेता है तो एक दुकान एक घर बन सकता है? मिनिमम 3 धूर 4 धूर से आप स्टार्ट ले सकते हैं। 3-4 धूर का आपने वो किया हुआ है? 3-4 धूर का अगर कोई प्लॉट लेता है क्या साइज होगा उसका? आपके मैंने अकॉर्डिंग जैसे कि सही से बैठ जाए, दुकान सही से बैठ जाए, उस अकॉर्डिंग हम करके देंगे आपको। मतलब आपके हिसाब से वो डिजाइन कर दिया जाएगा, भाई आपका वेस्ट न जाए और ज्यादा पतला ना हो, उस हिसाब से आप लोग उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग प्लॉटिंग काट देंगे। तो यहाँ पे 3-4 धूर भी लेके आप दुकानें ले सकते हैं। अभी जस्ट बगल में मैंने दिखाया आपको कि 5 धूर का एक प्लॉट किसी ने लिया हुआ है और वो अपना काम लगाए हुए हैं, काम चल रहा है वहाँ पे, उनका 5 धूर का एरिया है और वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो 5 धूर में ही बढ़िया डिजाइन हो रहा है, स्क्वायर में हो रहा है। तो बाकी डिटेल जानकारी के लिए मैं स्क्रीन पे आपको नंबर दे दूंगा, सीधे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाकी जनता सिनेमा कैंपस जो पहले पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे जनता सिनेमा के बारे में, यहाँ पे बहुत बड़ा एक सिनेमा हॉल था जिसकी दिवाली ये देख सकते हैं टूट चुकी है, कोल्ड स्टोरेज हाँ, कोल्ड स्टोरेज उसके बाद कोल्ड स्टोरेज हुआ जी, जी। तो ये अब टूट चुका है और यहाँ पे अब दुकानें बनके मार्केट बनके तैयार होने वाली है मधु कॉम्प्लेक्स के नाम से, मधु जी कॉम्प्लेक्स के नाम से यहाँ पे ये पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो आप यहाँ पे प्लॉट लेके दुकान करना चाहते हैं या रेंट पे लगाना चाहते हैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऊपर में अपना रेसिडेंस बना लिया, नीचे में रेंट पे लगा लिया, तो ये यहाँ पे जमीन ले सकते हैं। बाकी कुछ भी यहाँ पे अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, अभी डेवलपमेंट को देख के भाई, मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे कुछ काम नहीं चल रहा था, कुछ लोगों ने परचेज नहीं किया था जी। तो अभी परचेज करके कुछ लोग यहाँ पे काम चला रहे हैं, ये खुशी हुई देख के भाई यहाँ पे काम शुरू हो गया। आप भी यहाँ पे जितना जल्दी आएंगे, चूंकि प्लॉट कम है, जितना जल्दी आएंगे अगर ये यहाँ पे लेने के विचार कर रहे हैं तो आ सकते हैं और यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।